नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ सुमन। आइए आज हम आपको दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद गांव के लकड़पुरी में रहने वाले श्री गजेंद्र भड़ाना, जो कि हमेशा लोगों के वह तत्पर में रहते हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने मुलाकात की है। आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार को 6.5 साल 5 साल मुख्यमंत्री हमने जो क्षेत्र की जो मांग कर उस काम के लिए पूरा भूमि फंड पूरा खरीद जैसे कि यहाँ पीने के लिए सबसे पहले मूलभूत सुविधा में लोगों को पानी चाहिए, तो पानी इधर पहले पानी सप्लाई थी, उस सप्लाई को हम ग्यारह गए हैं, ग्यारह से हमने कई ब्लॉक में पहुंचा है और उसको माननीय मंत्री के समक्ष रखा। तो अमृत जल की योजना के थ्रू सबके घर हर घर को नल नल मिल जाता, ये हमने लोगों को देने का पूरा प्रयास की। प्रगति गौर जो माननीय मंत्री जी के आदेश से काम चला, अधिकारी जो आदेश दिए, पानी से बहुत जो पहले बड़ी दिक्कतें होती थी उसमें बड़े हम सफल हुए। 20% 30% लोग ऐसे हैं जो जहाँ भी पानी नहीं पहुँचा, तो आने वाले 2022 से पहले पहले हर घर को नल में जल, ऐसा हमें आश्वासन उसको देंगे। मैंने मंत्री जी पहले हमें रोड बड़ी थी, कभी यहाँ रोड चलने के लिए नहीं होती, हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते थे, रोड बहुत दिए गई उन्होंने बनाई, सीधा गया सीधा गया पे सब पानी करा उनके पास। लखनपुर गाँव हमारा आदर्श पहला है, लखनपुर गाँव के बाद क्षेत्र में हमारे जो सीधा बिहार बच्चा जो बसा है उसको 35 साल हो गए, उस 35 साल में उनको कोई ना कोई बिजली मिली थी, ना कोई पानी मिला था, ना कोई रोड मिली थी, आज यहाँ बिजली 24 घंटे मिल गई और पानी बहुत और समस्या खत्म नहीं हुई, इधर बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ लिमिटेड कुछ एरिया है जिसमें कमाली किसी पर मिले थी और होली मिलन समारोह में आए थे, उन्होंने उसको सबको आश्वस्त करके सबका हर घर घर को 2022 तक पानी देंगे। दूसरा रोड, अब हम देख रहे हैं सीवर और पानी की लाइन जो डलनी चाहिए शुद्ध बिहार में कुछ एक डल गई, सीवर के लिए 35 करोड़ का 19 करोड़ की ग्रांट आ चुकी है, जिसके लिए पाइप और सब अब जो कल मंत्री ने कहा ट्रीटमेंट प्लांट जो लग रहे हैं तीन लगने, एक बोर से छोटा ही पास लगना है, एक अपना ध्यान के टच में यहाँ लग रहे हैं ब्लॉक में, उनको बड़ा जोर से फोकस पे जो जगह हुई है वो भी हो रहा है और तकरीबन सारी लाइनें डल चुकी है सीवर लाइन की, अब ट्रीटमेंट प्लांट बहुत जल्दी होने जा रहे हैं, पानी का भी जो लाइन जो थी वो जो है जो रोड खुदी थी लोग दुखी है, मैंने कहा अभी दुखी होने दुखी है, अब जो 8 तारीख को सेशन खत्म हो उसके बाद ट्रेड यूनियन की डीसी साहब के साथ, डीसी साहब भी हमारे कमिश्नर हैं एमसीओ, वहां से फंड रिलीज कराते बहुत जल्दी 7-8 महीने के अंदर हम रोडों को, हमने 5 किलोमीटर रोड की डिमांड करके वो भी मंत्री जी 2 किलोमीटर रोड दी थी, तुरंत मेरे को बुला के मारे आज भी गया कल भी बात करें कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर से हमारा बहुत कुछ एरिया करेक्ट हो जाएगा, जो आने जाने मेन रोड है बहुत सफल सफलता की ओर चल रहे हैं, ऐसा जो लोगों को रोड नहीं मिला देखने के लिए, पानी नहीं मिला, बिल नहीं मिली, उसमें बहुत सफल 24 घंटे लाए करते हैं, मेरी चार बार बच्चे सुबह ग्यारह बच्चे चार एरिया हो चाहे बुलबुल हो उसमें हम सफल हैं, इतना हमारी किसी का बिल्कुल जी का धन्यवाद करेंगे, काम करने में बहुत कुछ उन्होंने किया है और आगे भी देख रहे हैं उन्हीं का प्रदर्शन। सर एक चीज और है, जनता के पार्षद से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जनता क्योंकि पार्षद जो है बहुत बार सुनने में आया कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है कि काम करना, और लोग उम्मीद पार्षद से ज्यादा आपके ऊपर करता है, कुछ तो बात है जो आप खड़े उतरते हैं किसी ना किसी पैर पर। पार्षद सिवाय झुमके बोल 4 साल 4 साल 3 महीना हो चुके हैं, 4 साल 3 महीने क्षेत्र में उसने देखा ही ना, ये पता पास है कौन है, दो उन्हें ये नहीं पता माएगा कौन को आता मेरे को, तो जो जितना मेरे से होता मैं करता हूँ, पार्षद के अधिकार में क्या था उसको नाली साफ कर झाड़ू लगवाने दिया जाता है, उसे हम स्वयं अपने खर्चे पर झाड़ू के साथ लगवा रहे हैं, पूरे के अंदर पूरे दयाबा के अंदर पूरे सिद्धो विहार के अंदर पूरे लकड़पुर गाँव के अंदर चाऊ के अंदर, उसके बाद हम नालियों की सफाई करवा रहे हैं, तो ये हमने अपनी सैलरी पे अपने पैसों पे ये लोग हमने रखे हैं, तो ये सफाई सारी हो रही है, उस पार्षद को यही पता है बोर्ड लगाने जा रहे हैं जो ग्राउंड वाले हैं कि हमारे पार्षद को भूमि पार्षद गया,
सुन रहे थे श्री गजेंद्र वर्मा जी, जो कि लाला जी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे, ना पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है। आज मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये खुद अपने खर्चे पे कॉलोनी को मेंटेनेंस की ओर ले जा रहे हैं और कई जगह खुद इन्होंने अपनी समस्या अपने पैसों से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और दूसरों की समस्या इनकी अपनी समस्या रहती है, इसलिए गार्डन के रूप में इस कॉलोनी की देखरेख कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद शासन।